नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th वाले सेक्शन में थर्मोडायनेमिक्स में लेक्चर नंबर 5 की। तो थर्मोडायनेमिक्स में लेक्चर नंबर 4 तक आपने अगर कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, जो चार प्रोसेस हैं मेनली आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबेटिक और आइसोकोरिक प्रोसेस, इन चारों प्रोसेस के बारे में आपने डिटेल में सारा स्टडी कर रखा है कि हर प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है, और थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक कुछ बातें हैं अबाउट सीपी सीबी, इस तरह की चीजें। तो ये सब जब आपने कवर कर रखा है 1 to 4, तो अब हम लोग लेक्चर 5 में उन्हीं पर आधारित कई सारे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है मेनली प्रॉब्लम बेस्ड ही होता है, तो ज्यादातर आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही करना होता है। ठीक है, 75% आप अगर प्रॉब्लम्स यहाँ पर ओरिएंटेड स्टडी करेंगे तो अच्छा रहता है, 25% ही थ्योरेटिकल होती है और क्वेश्चन जो है वो तो मिक्स करके आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन है आपको। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर इन ए रबर बैलून एट 30 डिग्री सेल्सियस। 2 मोल गैस है और उसे आप 30 डिग्री सेल्सियस पर एक रबर बैलून में कंटेन करते हैं इन इक्विलिब्रियम एट 1 एटमोस्फेयर। मतलब कि अब वो फिक्स हो गया उसका वॉल्यूम। अब कहता है The balloon is fully expanded and can be assumed to require no energy in its expansion. और ये मान के चलते हैं कि expansion में कोई energy जो है वो loss नहीं हुआ है, इसमें assume कर लेना है। अब कहता है the temperature of the balloon increases. Temperature को बढ़ाया गया slowly to 35 degree Celsius. तो पहले का temperature क्या था? 30 था, बाद का temperature कहा 35 हो गया। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है what is the work done of expansion ऑफ बैलून। अब आप अगर टेम्परेचर राइज करोगे तो वो कुछ ना कुछ फिर एक्सपेंशन करना शुरू करेगा, क्योंकि आपको ये काम करना है कहाँ पर? 1 एटमोस्फेयर के प्रेशर पर। मतलब ये एक तरह का एसोबेरिक प्रोसेस आपको बता रहा है। तो एसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर इज कांस्टेंट, ये आप जानते हैं, और उसके बाद आपको वर्क डन इन एक्सपेंशन मांग रहा है। तो देखिए वर्क डन के लिए कभी भी आपको पूछेगा तो इसका जनरल फॉर्मूला तो है P ∆V, और बेसिकली इसका इंटीग्रेशन भी आप समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो आप P ∆V सीधा सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ना तो हमको इनिशियल वॉल्यूम पता है ना फाइनल वॉल्यूम पता है, तो हमें ∆V तो यहाँ इससे मिलेगा नहीं, तो फिर क्या करें। नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखा है, आर की वैल्यू अगर यूज करनी है तो दे रखा है, और टेम्परेचर चेंज दे रखा है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात होगी, फ्रॉम गैस लॉ आइडियल इक्वेशन जो है उससे आप PV=nRT इस तरह का काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स जब डिफ्रेंशिएशन होगा और प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ गया, भी का डिफ्रेंशिएशन को आप इस तरह से ∆V कह सकते हैं, इधर भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे NR कांस्टेंट है बाहर आ गया, और T के डिफ्रेंशिएशन को इस तरह से ∆T कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस P ∆V कैन बी रिटन एज NR ∆T। तो ये आप आइसोबेरिक वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहां भी इस तरह का काम किया हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ कि आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए आप P ∆V को NR ∆T के बराबर लिख सकते हैं। तो चलिए अब ये डेटा पुट करें, N हमारे पास है 2 moles, R की वैल्यू SI सिस्टम में 8.31, और ∆T टेम्परेचर चेंज, तो चेंज जो कितने का होगा, तो चाहे सेल्सियस में चेंज करो या केल्विन में चेंज करो, चेंज आपका सेम रहेगा, तो 5 डिग्री का आपको चेंज साफ पता चल रहा है। ठीक है, तो इसको रख दीजिए, 35 - 30 = 5, सो 5 × 2 = 10, 10 × इतना तो 83.1 SI सिस्टम में जूल, ये आपका निकल गया वर्क डन, 83.1 जूल का वर्क डन होगा। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, सेम टाइप है, सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 27 to 127, फाइंड द वर्क डन। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा अब आप जान गए कि आइसोबेरिक प्रोसेस माने कांस्टेंट प्रेशर के केस में P ∆V कैन बी रिटन एज NR ∆T। एंड नाउ द वैल्यू ऑफ एन इज 2, आर इज एज यूजुअल नहीं भी दिया तो वही यूज करना है 8.314, बट 8.31 यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। और ∆T, अब यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर माइनस करेंगे, ऑफकोर्स 100 आएगा, तो केल्विन में माइनस करो या सेल्सियस में माइनस करो, डिफरेंस रिमेंस द सेम, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर डिफरेंस ले सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज द आंसर,
तो आंसर आ जाएगा हमारा 831 का डबल, तो 1662 जूल आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। चलिए इसी तरह से अब ये वाला क्वेश्चन भी जो लास्ट में देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को पॉज करें और उसको भी सॉल्व करके आप खुद से देखें। तो हो गया बच्चों, आई होप कि आपने किया होगा। देखिए क्या दिया हुआ, इन ए प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 सीसी, सीसी वही मिलीलीटर में आप समझ सकते हैं, टू 2000 सीसी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी दिया हुआ है 100 किलो पास्कल। तो इस बार आपको प्रेशर दिया एंड चेंज इन वॉल्यूम दिया, तो वर्कडन आपसे पूछ रहा है, तो वेरी सिंपल आपका सीधा सीधा फॉर्मूला पी डेल्टा भी लग जाने वाला है यहाँ पर, है ना। तो चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो पी आप डेल्टा भी लगाएंगे, तो प्रेशर है कितना भाई, तो कहा ये 100 किलो पास्कल, तो 100 और किलो के लिए क्या करना है 10 की पावर 3, पास्कल इज ऐसा यूनिट वैसे ही रहेगा। और उसके बाद डेल्टा भी, डेल्टा भी में देखिए यहाँ पर 1000 से 2000 हो गया, तो इसका जो डिफरेंस आएगा 2000 माइनस 1000 दैट इज 1000 सीसी, सीसी हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर के पावर 3। अब चूंकि एसआई में काम कर रहे हैं हमको मीटर क्यूब में चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो क्या होगा -2 मीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर। ओके, और जब आप ऐसा करेंगे तो ये 10 की पावर -6 मीटर क्यूब ऐसा बन जाएगा। सो आपको यहाँ एक टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 की पावर -6। अब ये पूरी तरह से ऐसा ही सिस्टम में आ गया, ठीक है, ये इसके लिए था। तो चलिए यहाँ पर ये कन्वर्ट किया, सीसी को कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में, तो ऐसा ही में आ गया। और अब बस सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा सो आएगा, सो सभी तो 10 के पावर में ही है, आप देख सकते हैं 336, ये इसको कैंसिल करेगा ये 100 बचेगा, सो द आंसर इज 100 जूल। सो सिंपल, तो शुरुआत में इसी तरह के क्वेश्चंस बेसिक देखते जाएं सीखते जाएं, बहुत आसान टॉपिक है। आए बच्चों आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये, फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग द परफेक्टली सर्कुलर साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर। एक साइक्लिक प्रोसेस इस तरह से क्लॉकवाइज दिया हुआ है, पीवी पर आपका डायग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज द वर्क डन। और अगर क्लॉकवाइज है तो आपको एक रूल बताए थे ANCP, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव वर्क डन और क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, याद रखिएगा, तो इसीलिए हमने इसको अपने से एक नाम दे दिया ANCP रूल। ओके, तो यहाँ पर कैसा साइकिल है, क्लॉकवाइज साइकिल है, तो पॉजिटिव हो गया वर्कडन, तो वर्कडन हो गया हमारा पॉजिटिव, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, तो ये पीवी ही है, तो इसमें जो एरिया आएगा यही आएगा, इस तरह से आ जाएगा ये वाला एरिया, है ना, तो एरिया क्या होता है इसका πr², तो इसमें क्या होता है, देखो बच्चों अगर आप इस, यही हो गया इसका रेडियस, तो इसको मान लो आप r1 और इधर ले जाओ, है तो ये भी r, लेकिन इसको मान लो आप r2, है ना, तो एरिया जो होगा वो क्या होगा प्लस पाई r² लिखते, लेकिन r² में एक आप r1 लेना होगा दूसरा r2। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो बच्चों आपको वर्कडन लिखना है, तो वर्कडन लिखना है तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म होना चाहिए, तभी वो यूनिट मैच करेगा। इधर जैसे जूल आना है तो एक टर्म प्रेशर के लिए होना चाहिए, एक टर्म वॉल्यूम के लिए होना चाहिए। अगर आप सिर्फ प्रेशर वाला टर्म यहाँ पे लिख दोगे तो फिर प्रेशर का सीधा सीधा स्क्वायर हो जाएगा वर्क डन, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए आपको एक साइड वॉल्यूम वाले टर्म उठाने होंगे और एक साइड प्रेशर वाले टर्म, ठीक है, तभी होगा। अब सवाल उठा R1 और R2 कैसे करें, तो R1 R2 के लिए देखिए बड़ा ही सिंपल है, ये जो भी डिस्टेंस है उसको हाफ करना होगा, तो ये डिस्टेंस है कितना, तो V2 - V1, क्योंकि यहां से यहां तक V2 हुआ और यहां से यहां तक V1 हुआ, उसको माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा ना, और इसको हाफ करेंगे तो R1 मिल जाएगा, मतलब R1 इज V2 - V1/2। और उसी तरह से यहां से यहां तक P1 है, यहां से यहां तक P2 है, तो ये क्या बन गया P1 - P2, और उसको हाफ कर दोगे तो आपको R2 मिल जाएगा, तो R2 इज P1 - P2/2। तो ये दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको πr² का फॉर्मूला ना यूज करके πr1 × r2 यूज करना है, ठीक है,
और उसके बाद एक वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग और एक प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग। तो आपका ये जो बनेगा, प्लस लिखो ना लिखो बात बराबर है, तो छोड़ दो। आर वन हो गया आपका वी टू माइनस बी वन बाई टू, और ये हो गया आर टू पी वन माइनस पी टू बाई टू। तो जो भी ग्राफ दिया हुआ है उस हिसाब से आपका ये आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम 1 टू 2, 2 टू 3 एंड 3 टू 1। ठीक है, एक्जैक्टली प्रोसेस लग रहा है आपको। यहाँ पर 1 2 3 मेंशन करना रह गया, तो उसको मेंशन कर दिया जाए। तो 1 2 3, 1 आपका नीचे में था, 2 यहाँ पर और 3 टॉप पर, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1 आया। ओके, साइक्लिक कंप्लीट। एज सून आल्सो कैलकुलेट द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो आपको यहां पर क्या करना है, साइक्लिक प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, फिर 1 से 2, जो भी है अपना वो चलेगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल ईच प्रोसेस में वर्क डन मांग रहा है, यहां कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम 1 से 2, 1 टू 2, देखिए वहां पर। तो जो आपका वर्क डन 1 से 2 में आएगा, बारी बारी से सबको निकालना है। तो 1 से 2 में अगर हम निकालना चाह रहे हैं, तो देखिए कैसा प्रोसेस कैसा बन गया। यहाँ से यहाँ गया, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो आइसोबेरिक हो गया। तो आइसोबेरिक में हमने पढ़ा है प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितने का होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में देखिए ये 2 वी नॉट है, ये वी नॉट है, इसका मतलब ये वी नॉट का चेंज इन होगा। ठीक है बच्चा, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वी नॉट लिख देते। सो 1 से 2 आ गया पी नॉट इन टू वी नॉट। ओके, बिकॉज दिस इज आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, तो उसमें पी इंटू डेल्टा भी तो लिख ही सकते हैं। तो पी का काम करेगा कौन, पी नॉट, और डेल्टा भी का काम कौन करेगा, डेल्टा भी यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना आ गया, वी नॉट आ गया, सीधा आंसर है। उसके बाद आपसे पूछा है 2 2 3 में वर्क डन। तो 2 2 3 में देखिए गौर से, ये यहाँ पर कैसा प्रोसेस हो गया, वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट हो गया। वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट हो जाता है तो आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक में कोई वर्क डन तो होता नहीं है, डेल्टा वी की वैल्यू ही जीरो है ना, तो कोई वर्क डन नहीं होता, सीधा सीधा क्या लिखना है, जीरो। ओके, तो ये भी एक आंसर हो गया आपका, ये भी आंसर हो गया। अब चलते हैं 3 2 1, मतलब ये वाला। ओके, तो ये वाला जो आएगा इसमें देख रहे हैं कि प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो बेहतर यही होगा जब पीवी ग्राफ आपके सामने है तो इसका एरिया ही आप निकाल लीजिए, आसान पड़ेगा। तो यहां से यहां आना है और ये एरिया, अब आप गौर से देखो तो ये आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, इस तरफ आ रहे हो, मतलब वॉल्यूम अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन का वर्क डन फिजिक्स में नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन तो सबसे पहले लगा देंगे। ओके, और उसके बाद कितना होगा, तो वो जो शेडेड एरिया है उसको एरिया निकालो, तो ये निकलेगा हाफ इंटू पैरेलल साइड्स के सम। तो पैरेलल साइड्स के सम देखिए, ये पी नॉट हो गया और ये वाला 3 पी नॉट हो गया, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, पी नॉट प्लस 3 पी नॉट। तो पैरेलल साइड के सम इनटू हाइट, तो हाइट के नाम पर वी नॉट, ये जवाब आपका जाएगा। सो ये बन गया 4 पी नॉट इनटू वी नॉट, यहां पर कैंसिल कीजिए, सो दिस बिकम माइनस ऑफ 2 पी नॉट वी नॉट। ओके, तो इस तरह का जवाब आ जाएगा। अब आपसे अगर टोटल साइकिल के लिए पूछा, हेंस वर्क डन फॉर साइकिल होल साइकिल, तो आप क्या कर सकते हो, सभी को एड अप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो प्लस में था पहला वाला, फिर ये जीरो, फिर ये ऐसा, तो माइनस 2 पी नॉट पी नॉट। ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पर, ये तो माइनस पी नॉट ही हुआ। ठीक है, ये आप आंसर कर सकते हो यहाँ पर। अच्छा, इसको साइकिल में निकालने के लिए दूसरा भी आप कर सकते थे, मेथड 2, एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर सिर्फ साइकिल की बात होती तो हमारा ये वाला एरिया फिर निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है बच्चों, आपको साइकिल की जब बात है कि पूरे साइकिल में कितना काम हुआ, तो साइकिल के अंदर का एरिया निकलेगा, तो साइकिल के अंदर का एरिया निकलेगा। और साइन कैसा होगा, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव साइन। ओके, तो नेगेटिव साइन के साथ ये ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ बेस, बेस का काम भी नॉट इनटू हाइट, हाइट का काम कौन करेगा, तो ये वाला कितना हो गया 3 पी नॉट माइनस पी नॉट, दैट इज 2 पी नॉट। तो ये देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस पी नॉट वी नॉट, समझ रहे हैं। तो यहाँ से भी वही चीज आ रही है, वहां से तो जोड़ेंगे तो वो भी हो जाएगा, डायरेक्ट निकालना हो तो वहां से कर सकते हैं।
इसी तरह से सिंपल सिंपल प्रॉब्लम देखते जाएं, सीखते जाएं, समझते जाएं। आगे बढ़ते हैं। आए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। 1 kg ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उस पर क्या हो गया कि आपने 1 kg ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया। वॉल्यूम ऑफ 1 cubic centimeter ऑफ वाटर बिकम 1671 cubic centimeter। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपने 1 cubic centimeter वाटर को यूज किया होता तो वो 1671 cubic centimeter वेपर में कन्वर्ट हो जाता। तो कहता है कि व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज लाइक दिस। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है और ये जब भी देगा आपको तो इसी बॉइलिंग पॉइंट पर ही देगा। तो इसका मतलब हुआ कि इतना ज्यादा हीट आप सप्लाई किए हो, इतना कैलोरी पर केजी, और 1 kg ही है, इसका मतलब हीट सप्लाई आपका इतना ही हुआ 5.4 × 10⁵ कैलोरी। इतना हीट आपने सप्लाई किया और उस हीट ने क्या किया होगा, एक्सपेंशन के थ्रू कुछ वर्क डन भी कर दिया और जो बच गया वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया। तो इसका मतलब हुआ, देखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होना चाहिए डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कई बार लिख चुके हैं इस तरह की चीजों को। तो आपको चाहिए डेल्टा यू, तो विच मीन्स डेल्टा क्यू कितना हीट आपने सप्लाई किया, उसमें माइनस करना होगा कि कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, तो कितना हीट आपने सप्लाई किया वो तो यहाँ दे रखा आपको, डेल्टा क्यू आपको दे रखा है 5.4 × 10⁵ कैलोरी। ठीक है, 1 kg के लिए ही काम करना है, 1 kg ही है यहाँ पे, तो इतना कैलोरी आपका सप्लाई हुआ। अब अगर डेल्टा डब्ल्यू हम निकाल लें तो हमारा डेल्टा यू निकल जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालना है, तो डेल्टा डब्ल्यू अब चूंकि जो भी हो रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर पर ही हो रहा है, तो हमारा ये सीधा सीधा पी इंटू डेल्टा वी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वो तो नहीं कुछ दिया था, एटमॉस्फेरिक ही लेना है। तो ये हो गया हमारा कितने का, ऑलमोस्ट 10⁵। ओके, 1 atmospheric प्रेशर इज ऑलमोस्ट 10⁵ पास्कल। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेल्टा भी अब देखना है, तो चेंज इन वॉल्यूम, तो देखिए 1671 हो जाता है 1 से, तो यही चेंज हुआ, लेकिन ये चीज हुआ 1 cubic centimeter के लिए और हमारे पास 1 kg वाटर, तो 1 kg वाटर इज ऑलमोस्ट 1 liter वाटर। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये 1 ml हुआ, 1 ml याद रखिएगा। 1 cubic centimeter इज ऑल्सो नोन एज 1 milliliter। ओके, एंड 1 liter इज ऑलमोस्ट 1 kg वाटर के केस में, क्योंकि डेंसिटी इसकी ऑलमोस्ट 1 होती है, 1 gram per ml या 1 gram per cc, तो ऐसा ही लेते हैं। तो 1 kg है, 1 kg है, इसका मतलब क्या हुआ 1 liter है, और 1 liter है इसका मतलब क्या हुआ 1000 milliliter है। ओके, तो 1 liter इज 1000 milliliter। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 1 milliliter के लिए आपको काम, ये वैल्यू दिया हुआ है, और आपको 1000 milliliter के लिए काम करना है, क्योंकि 1 kg के लिए काम करना। तो सीधा सा मतलब निकला 10³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इतने का आपका ये हो जाएगा 10³³ cubic centimeter में अभी तक आएगा। अभी मीटर क्यूब में लाना है, तो अभी आपको बताया गया अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁶ मीटर क्यूब चढ़ेगा। ओके, तो ये भी इसमें साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा -6। अब ये पूरी तरह से एसआई सिस्टम में आ चुका, मतलब ये जूल में कन्वर्ट हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1670 × 10⁵। देखिए पावर कितना हो जाएगा, 5388 -6 गया तो 2। ओके, तो इतना आपका जूल बना। ओके, अब यहाँ पे ये तो कैलोरी है, तो हमें तो कैलोरी में ही आंसर फिर करना पड़ेगा। तो डेल्टा डब्ल्यू आ गया, तो इसको कैलोरी में बदलने के लिए क्या करना है, 1670 ÷ 4.2 रख दीजिए। 4.2 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो जूल बन जाएगा कैलोरी, और ×10⁻² तो है ही, तो एक काम करते हैं ×10³ करते हुए 1670 ÷ 4.2, और ये ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो ये लगभग लगभग हो गया, और अगर हम इसको ऑलमोस्ट सॉल्व करें तो हमको लगता है 4 times लगभग लगभग हम लोग इसको रख, अगर 8 होता तो वही जाता, तो लगभग लगभग 4 रख दीजिए, तो ऑलमोस्ट 4 × 10³ कैलोरी। तो एग्जाम में डोंट वरी, आपको
ऑप्शंस रहेंगे तो आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 4 × 10³ कैलोरी लगा। तो डेल्टा, अब डेल्टा यू, आपको डेल्टा डब्ल्यू आ चुका है, अब डेल्टा यू चाहिए। तो यहाँ से फॉर्मूला डेल्टा क्यू वाला 5.4 × 10⁵ में से माइनस करना पड़ेगा ये, तो इसको हमें 10⁵ के टर्म में लाना पड़ेगा तभी माइनस कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, इस पर 2 पॉइंट इधर लाना है, एक रखिएगा तो ऐसा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कहीं कुछ मिस हुआ है, हाँ यहाँ पे मिस हुआ है, ये 40 हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट था ना, तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक 40 हो जाएगा, फिर आपका वो कैंसिलेशन होगा। तो ये 40 क्या करेगा, इसको ऑलरेडी 4 में कन्वर्ट कर देगा। अब ठीक हो गया, 0.4 × 10⁵ कैलोरी अब आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसको लाइए 0.4 × 10⁵, ठीक है। अभी सभी कैलोरी में आ गए तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑलमोस्ट 5 × 10⁵ कैलोरी। ओके, ये आंसर हो गया। तो करने का काम बस इतना सा था, वर्गन आपको निकालना था और यूनिट सारे अच्छे से रखने थे, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 atmospheric pressure ऑलमोस्ट 10⁵ पास्कल, ओके, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहलाता है। तो ये आप ऑलमोस्ट लिख सकते हैं, वैसे 1.013 इस तरह का आता है डेटा, × 10⁵, तो आप वो छोड़ भी दीजिए, 10⁵ से भी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा। और ये जो भी काम हो रहा था यहाँ पे 1671 - 1, ये 1 ml के लिए था, 2000 कर दिया तो ये 1000 ml हो गया, 1000 ml मतलब 1 kg वाटर हो गया, तो उसके लिए हो गया। और ये जो भी हुआ यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर में ही हुआ अभी तक, और इसको मीटर क्यूब में बदलना था, इस वजह से 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। ओके, तो 1 cubic centimeter इज 10⁻⁶ मीटर क्यूब, इस तरह से हो गया। और फिर उसके बाद आप 1670 × 10⁸ - 6 दैट इज 2, और उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़ जाइए, है ना। ये इसको आपने कैलोरी में कन्वर्ट किया, 4.2 से डिवाइड किया और लगभग अप्रोक्सीमेट करते हुए ये वैल्यू तक आ गए, और फिर इसको डेल्टा यू निकालने के लिए माइनस कर लिया, ठीक है। तो डेल्टा यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले को डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था और डेल्टा डब्ल्यू आपने निकाल लिया, माइनस करेंगे सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस पासिस फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, ए से देखिए बी में गया, फर्स्ट बाय मींस ऑफ प्रोसेस 1, पहले ऐसे गया, देन बाय मींस ऑफ प्रोसेस 2, फिर ऐसे गया, इन विच ऑफ द प्रोसेस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस ग्रेटर, कहता है किस में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है और आप देख सकते हैं कि एक्सपेंशन में यहाँ पर क्या हुआ होगा। देखिए डेल्टा क्यू, जैसे फॉर प्रोसेस 1 लेकर के चलिए आप, प्रोसेस 1, तो डेल्टा क्यू 1 जो उसमें एब्जॉर्ब हुआ होगा मान के चलिए, वो क्या होगा, डेल्टा यू 1 और प्लस डेल्टा डब्ल्यू 1, इस तरह की बात होगी। और उसी तरह से फॉर प्रोसेस 2 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू 2 डेल्टा यू 2 प्लस डेल्टा डब्ल्यू 2। ओके, अब इसमें क्या दिक्कत है यहाँ पर कि देखिए ए से बी गया दोनों प्रोसेस में, तो इनिशियल और फाइनल सेम है, इसका मतलब हुआ इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, सो दोनों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिमेंस द सेम, डेल्टा यू 1 इक्वल टू डेल्टा यू 2, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो बस अब इतनी सी बात है, तो अगर दोनों में ये चीज क्वांटिटी सेम सेम हो गई तो इसका मतलब हुआ, एक काम करो आप ये माइनस कर सकते हो, माइनस करने से आपको आसान हो जाएगा। चलिए तो माइनस कर देते हैं, तो डेल्टा क्यू 1 माइनस डेल्टा क्यू 2, अब ये दोनों चूंकि सेम थे तो कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर क्या बना, इक्वलिटी के बाद डेल्टा डब्ल्यू 1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2। ओके, अब यहाँ पर गौर करिएगा, डेल्टा डब्ल्यू 1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2 एग्जैक्ट नहीं निकालना है, बट यही बताना है पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, बड़ा है या छोटा। तो डेल्टा डब्ल्यू 1 देखिए, डेल्टा डब्ल्यू 1 जो भी आएगा वो इतना एरिया कवर करेगा, और इधर से उधर गया एक्सपेंशन हुआ तो पॉजिटिव ही आएगा, तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू 1 लार्जर एरिया को कवर कर रहा है। ओके, जबकि डेल्टा डब्ल्यू 2 अगर आप निकालते तो सिर्फ ये देखिए, ये नीचे से स्मॉलर एरिया सिर्फ इतना कवर होता, देख रहे हैं इतना, मतलब इतना ज्यादा हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू 1, तो आप कह सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा डब्ल्यू 2,
W2 का एरिया जो आएगा, PV ग्राफ है, V के साथ जो भी एरिया आएगा वो कम आएगा विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा W1। डेल्टा W1 का यहाँ से ये पूरा आएगा और डेल्टा W2 का सिर्फ यहाँ से नीचे भर का आएगा। ठीक है, तो छोटा हो गया डेल्टा W2। तो डेल्टा W1 इज ग्रेटर देन डेल्टा W2, तो ये ज्यादा है ये कम है, इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। ओके, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो सीधी सी बात है कि आपका डेल्टा Q1 इज ग्रेटर। ओके, बड़े में से छोटे घटाओगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, दिस इज ग्रेटर देन डेल्टा Q2। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था आपसे किसमें ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा, तो जी सीधी सी बात है फर्स्ट वाले प्रोसेस में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा। तो यही पूछ रहा है ना कि इन विच ऑफ द प्रोसेस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज ग्रेटर, इसका आंसर क्या होगा, प्रोसेस वन। ठीक है, तो प्रोसेस वन में अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब विल बी ग्रेटर। ओके, तो चलिए अच्छे से इन सबको कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। आए बच्चों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, इट इज सप्लाइड विद 400 जूल ऑफ हीट एंड इट डज 100 जूल ऑफ वर्क। दिया हुआ है कि सिस्टम को आप ए से बी स्टेट पर ले जाते हो, है ना, कहीं स्टेट ए हुआ कहीं स्टेट बी हुआ, तो सिस्टम को आप ए से बी पर लेके जाते हो, तो क्या हो रहा है इसमें 400 जूल ऑफ हीट आप सप्लाई करते हो, मतलब डेल्टा क्यू ए से बी जाने में 400 जूल लग गया और डज 100 जूल ऑफ वर्क डन, तो डेल्टा डब्ल्यू ए से बी करने में 100 जूल लग गया। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछा, पहला पूछता है कि फॉर दिस ट्रांजिशन व्हाट इज द सिस्टम्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो सीधी सी बात है चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू लिखना है आपको, तो ए से बी जा रहे थे तो ए से बी के केस में जाएगा, तो डेल्टा क्यू ए बी दैट वाज 400 एंड डब्ल्यू तो 100 विच मीन्स 300 जूल आपका बनेगा डेल्टा यू ए बी। ओके, चलिए दूसरा क्या कहता है, कहता है इफ द सिस्टम मूव्स फ्रॉम बी टू ए, मतलब रिवर्स आ जाता है, बी टू ए आना है इसको, वापस आना है बी टू ए आना है, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो सीधी सी बात है जितना इधर से उधर गया था उतना ही फिर उधर से इधर भी आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा बस साइन आपका बदल जाएगा, अगर इधर से उधर जाने में बढ़ा था प्लस है तो बढ़ा ही था, तो उधर से इधर आने में कम हो जाएगी घट जाएगी, सो आप सीधा सीधा लिखिए डेल्टा बी से ए आएगा तो माइनस लगा के ए बी। ओके, एंड दिस इज माइनस 300 जूल। ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि यहां से वहां गए और वहां से यहां आए तो मतलब जहां थे वहीं आ गए, तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी ए दोनों मिला के जीरो हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, बी ए लिखेंगे तो माइनस ऑफ ये, फिर से बता दूं जैसे डेल्टा ए से बी गए फिर चेंज आप देख रहे हैं डेल्टा बी से ए वापस आ गए, तो जहां थे वहीं आ गए ना, तो फिर आप जो बी ए लिखोगे वो क्या होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस लगा के आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट समझे या ऐसे लॉजिक से समझे। चलिए थर्ड वर्क क्या कहता है, थर्ड वन देखिए, कहता है इफ इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में अलोंग ए डिफरेंट पाथ इन विच डब्ल्यू ए बी डैश, कहा कि कोई एक नया पाथ हमने ले लिया ऐसे कुछ आ गए, ठीक है, कहा कि डब्ल्यू ए बी जो हो गया हमारा माइनस 400 हो गया। ओके, माइनस 400 हो गया तो कंप्रेशन हुआ होगा, ठीक है, तो जो भी हुआ हो तो डब्ल्यू ए बी डैश गिवन है माइनस 400 ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो हाउ मच हीट डज इट एब्जॉर्ब, तो उस केस में हीट कितना एब्जॉर्ब होगा, तो देखिए डेल्टा क्यू ए बी डैश वाले पाथ नए पाथ से आप जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, डेल्टा यू ए बी वो नए वाले पाथ में और प्लस डेल्टा डब्ल्यू ए बी नए वाले पाथ में, यही होगा। अब देखिए डेल्टा यू जो होगा जब आप ए से बी जा रहे हो तो इनिशियल फाइनल सेम ही है, तो जितना भी चेंज किसी भी पाथ से जाओ दैट रिमेन्स द सेम, तो ए बी वाला पार्ट आपका सेम रहेगा, मतलब ये 300 का 300 रहेगा। ओके, और डेल्टा ए बी डैश आपको क्वेश्चन में दे रखा माइनस 400, तो माइनस 400 दे रखा तो उसको आप सीधा सीधा यहाँ रखिए। ओके, और अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने क्या दिख रहा है माइनस 100 जूल। ओके, तो नेगेटिव साइन ज्यादा ज्यादा यहाँ यही बताएगा कि सिस्टम रिलीज कर रहा है हीट को, डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव होता है सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा होता है, डेल्टा क्यू अगर नेगेटिव आया मतलब सिस्टम रिलीज कर रहा है। ओके, मतलब 100 जूल ऑफ
heat energy is released, ठीक है, from the system, ऐसा कह सकते हो, ओके, ये हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। A gas is enclosed in a cylindrical vessel. A gas को एक cylindrical vessel में enclosed कर दिया गया, fitted with a frictionless piston. एक piston लगाया जो उस पर कोई friction नहीं है। The gas is slowly heated for some time. कुछ heat energy supply की है जिससे gas गर्म हुई। During the process, 10 joule of heat is supplied. तो delta Q आपको दिया हुआ है 10 joule. And the piston is found to move out ऊपर की ओर चला 10 centimeter से, देख सकते हैं। Find the increase in the internal energy of the gas. Internal energy delta U बताना है। The area of cross section of the cylinder दिया हुआ है 4 centimeter square and the atmospheric pressure is 100 kilo Pascal. ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा? आपको निकालना है delta U. और delta U निकालने के लिए आपको चाहिए delta Q. तो ध्यान से देख लेंगे। तो delta U निकालने के लिए आपको चाहिए डेल्टा क्यू और उसमें से आप माइनस करेंगे डेल्टा डब्ल्यू को। तो डेल्टा क्यू आपको दे रखा है, डेल्टा क्यू आपको देखिए दे रखा है 10 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, दिस इज योर डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा क्यू इज गिवन 10 जूल, ओके। और बाकी डेल्टा डब्ल्यू निकालने के लिए आपको डेटा मौजूद है। तो फॉर डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू देखिए, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा पी इंटू डेल्टा भी, चूंकि ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज पी नॉट, तो पी नॉट इंटू डेल्टा भी। तो पी नॉट बताया हमको 100 किलो पास्कल, तो किलो है 10^3 लगाइए, पास्कल इज ऐसा ही रहेगा। चेंज इन वॉल्यूम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, यही होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा भी अलग से निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इंटू हाइट। एरिया क्रॉस सेक्शन देखिए कितने दिए हुए हैं, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलना पड़ेगा आपको। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10^-2 का ऐसा -4 हो जाएगा, ठीक है, 10^-4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। और हाइट बताया 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, 10 × 10^-2, ओके। अब इसको सॉल्व करिए, तो 2 4 -6 और ये हो गया तो -5, तो 4 × 10^-5 मीटर क्यूब चेंज इन वॉल्यूम आ गया, ओके। उसे यहाँ रखिए, सो 4 × 10^-5 मीटर, ओके। तो ये 2 3 5 हो गया, ओके। और आपका ये सीधे सीधे कैंसिल हो गया, तो मतलब 4 जूल का इसका वर्क डन पड़ा, ओके। सस्पेंशन है, पॉजिटिव ही वर्क डन रहेगा, तो 4 जूल का वर्क डन रहा और 10 जूल आपने हीट अंदर को सप्लाई किया था। तो 10 जूल - 4 जूल, तो जो 10 जूल आपका आया उसमें से 4 जूल वर्क डन करने में चला गया, तो जो 6 जूल आपका बचेगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 जूल। तो अच्छे से इसको सबको समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक इस पार्ट में रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रॉब्लम कवर करेंगे। मन लगा के पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।